नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉल इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। ताऊते तूफान आया लेकिन अपने पीछे लोगों के लिए कई जख्म दे गया, जिससे उभरने में काफी समय लगेगा। ताऊते तूफान कितना भयानक था, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। गांव हो शहर हो, हर तरफ सिर्फ तबाही का ही मंजर था। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले साल आए अम्फान तूफान ने काफी तबाही मचाई थी, जिससे काफी नुकसान हुआ था, लेकिन ताऊते ने तो मानो जैसे सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है और लोगों को ऐसे जख्म दिए हैं कि उससे उभरने में काफी समय लगेगा। बड़े बड़े पेड़ ऐसे गिर गए जैसे मानो कागज हो। चक्रवाती तूफान ताऊते सोमवार देर रात गुजरात के तटों से टकराया था। अरब सागर में बना यह चक्रवात अपने साथ भारी बारिश और हवाओं को साथ लेकर आया था, जिससे पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में घरों को नुकसान पहुंचा और कई पेड़ उखड़ गए। गुजरात के सोमनाथ और दीव में हर जगह पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए थे, जिसे सोमवार देर रात सेना के जवानों की मदद से हटा दिया गया। आप देख रहे हो जिस प्रकार से गुजरात में जो साइक्लोन आया, साइक्लोन के बाद जिस प्रकार से वो हवाएं तेज चली और काफी तेज हवाओं से बदलत आज जो पेड़ है, मेरे एग्जैक्टली पीछे जो पेड़ है वो GMDC ग्राउंड में है और पूरा पेड़ यहाँ पे गिर गया था। काफी सारी संख्याओं में जो गुजरात में जो है पेड़ गिरने की बहुत सारी घटनाएं सामने आई है और पेड़ गिरने के बाद पेड़ के नीचे खड़ी हुई जो महंगी जो गाड़ियाँ थी वो भी काफ़ी सारी डैमेज हुई नज़र आई है। और ग्राउंड में आप देखा जाए तो ये जो पेड़ गिरा है काफ़ी बड़ा पेड़ है और जब साइक्लोन आया तब साइक्लोन के द्वारा काफ़ी हवाएं तेज चली थी, जिस तरह से जो बिल्डिंगें थे वो गिर पड़ी, मकानों की जो छत थी वो ऊपर से उड़ कर कहीं और जगह पे चली गई, जिस तरह से साइक्लोन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और साइक्लोन में जो तेज हवा थी वो काफ़ी तेज हवा थी, इसके लिए जो पेड़ जो गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के काफ़ी सारे गुजरात में हर एक कोने कोने में हर एक गाँव में काफ़ी नुकसान सामने आया है। ताऊते से गुजरात के लोग ऐसे सहमे कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पेड़ हो, होर्डिंग हो या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, सब ताश के पत्तों की तरह एक एक कर गिर गई। लोगों से ही सुनिए इस खौफनाक मंजर की कहानी। जिस प्रकार से यहाँ पे जो साइक्लोन का जो तेज हवाएं चली थी तब जाके काफी लोग यहाँ पे मौजूद थे और मैं उनसे पूछना चाहूंगा जिस प्रकार से आप भी यहाँ पे मौजूद थे और काफी तेज बारिश हो रही थी, काफी तेज हवाएं चल रही थी और काफी सारे पेड़ गिरते हुए आपकी नजर में आपके सामने पेड़ गिरे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये काफी गहरा था, बहुत ही सीरियस खतरनाक तूफान था। इसमें ये पेड़ काफी तेज हवाओं की वजह से झुक रहे थे, हमारी आंखों के सामने ही ये पेड़ गिरा है यहाँ पे, और उस वक्त हमें काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी, काफ़ी तेज़ बारिश थी, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी, जैसे तैसे करके यहाँ से लोग भागकर अपनी जान बचाई है। जी हाँ, काफ़ी सारे और भी लोग हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा जिस प्रकार से जब साइक्लोन आया था तब भी आप इधर शामिल थे, काफ़ी डरावना मंजर था और काफ़ी डरावना लग रहा था क्योंकि तेज़ हवाएं थी, काफ़ी बारिश तेज़ी से आ रही थी, क्या महसूस किया था आपने उस वक्त? बहुत डरावना घबराना यहाँ पे, बहुत तेज हवा थी, सब लोग यहाँ पे भी डरे हुए थे, जब पेड़ गिरा तब भी हम सब यहीं पे ही थे। बहुत सी गाड़ियों को भी यहाँ पे डैमेज हुआ है पीछे, और महंगी महंगी गाड़ियों के ऊपर भी गिरा तो उसकी वजह से बहुत नुकसान भी हुआ है यहाँ पे, सब लोग इतने डर गए थे यहाँ पे हवा की वजह से, तूफान इतना तेज था तो बहुत मतलब डरावना था यहाँ पे, काफ़ी डरावना था। लेकिन काफ़ी और भी है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या मंजर था, क्या देखा आपने? इतना सारा हवा, इतनी ज़्यादा तेज चल रही थी, इसके हिसाब से लोगों को भी बजाना यानी अपना आपको भी समझना बहुत मुश्किल पड़ गया था, तो कहाँ भरे कहाँ नहीं जाता। और काफ़ी सारी जगहों पे ऐसी सुनाई भी दिया है कि काफ़ी सारी छतें गिरी है, पूरी बिल्डिंग भी ऐसे पूरी जमीन में बैठ गई है। और उनका कहना ऐसा है कि काफ़ी सारी बिल्डिंगें हैं जो जमीन दस्त होके जमीन में गिर गई है और काफ़ी सारी जो मकानों की छतें थी उड़ उड़ के काफी और जगह पे जाके गिरी हुई है।
तेज हवाओं की बदौलत समंदर का पानी घरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जो भी रास्ते में आया उसे खींच ले गया। फिर भी गुजरात सरकार की पहले से ही की गई प्लानिंग के बदौलत गुजरात सरकार लोगों की जान बचाने में सफल रही। लेकिन जिस तरह से साइक्लोन ने गुजरात में तांडव मचाया वो एक भयानक नजारा था। गाड़ियां मलबे में दबकर चकनाचूर हो गईं। हालांकि आरटीपीसीआर टेस्ट का अहमदाबाद में सबसे बड़ा कैंप लगाया गया था, लेकिन उस कैंप को भी ताउते ने अपनी आगोश में ले लिया। एग्जैक्टली पीछे मेरे हैं जो आरटीपीसीआर यहां पे वॉक थ्रू चालू किया गया था, वो वॉक थ्रू आरटीपीसीआर जो जगह है वो पूरी तहस नहस हो चुकी है और काफ़ी संख्या में जो तेज़ी से जो बारिश हुई और जो हवाएं चली उनके बदौलत यहां पे पूरा डैमेज हो चुका है। जो आरटीपीसीआर का जितना भी बड़ा प्लांट था वो पूरा प्लांट गिर चुका है और काफ़ी संख्या में यहां पे नुकसान सामने देखने को मिल रहा है। काफ़ी जो चेयर है वो चेयर भी कहीं अलग थलग करके कहीं गिरी हुई है और काफ़ी संख्या में जो यहाँ पे पूरा जो ग्राउंड में जो आरटीपीसीआर का जो पूरा जो बनाया गया था पूरा जो वो पूरा डैमेज आपको नजर आता हुआ दिखा दे रहा है। काफ़ी संख्या में जो चेयर है वो भी उड़कर कहीं कहीं और जगह पे गिर चुकी है और काफ़ी फट चुकी है चेयर भी, और जो ऊपर के होर्डिंग्स थे वो हवा जो तेज हवाएं थी उनके बदौलत उड़ के कहीं और जगह पे जाके गिरे हुए हैं और पूरा जो यहाँ का जो माहौल था वो पूरा डैमेज हो चुका है। और जो आरटीपीसीआर जो यहाँ पे चल रहा था वो अभी फिलहाल बंद किया गया है। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गुजरात। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।